राजस्थान परे ब्यासंतु जिबा काश्मीर को जेउठी आरंभ होईछि वर्षर सबु ठारु कठिनतम समय शीत ऋतु रे 40 दिन भूस्वर्ग काश्मीर रे पड़े हाड़ भंगा शीत जहाकु चिलाई कलाण भी कहा जाए प्रतिवर्ष भली एथर भी काश्मीरवासी एक कष्टकर समय को सामना करबा को प्रस्तुत होईछंती किंतु प्रथमरु बरफपात खसुथिबा तापमात्रा ओ अनियमित विद्युत काट लोकंक समस्या बढ़ाई देछि देखिबाय रिपोर्ट भूस्वर्ग काश्मीर सुंदर स्थान सुंदर परिवेश पर्यटकों प्रमुख आकर्षण ग्रीष्म शीत शरत और बसंत काश्मीर चारिटि ऋतु बाबद जानती देश विदेश लोके किंतु राज्य बाहर खूब कम लोके जानती शीत ऋतुर से ही कठिनतम 40 दिन बाबद जहाँ को चिलाई कलाण बोली कहती काश्मीरवासी 40 दिन चिलाई कलाण तापर 10 दिन चिलाई बचा पूर्वर वर्षर एक दिनगुड़िक काश्मीर में पड़ुला प्रबल थंडा होता प्रचुर बरफपात किंतु परिवेश प्रदूषण फल गत एक दशक धरी शीत दिने कमी जा तुषारपात चलित बर्ष चिलाई कलाण पूर्व दुईथर बरफपात होफल शून डिग्री तौक खसी तापमात्रा चिलाई कलाण पूर्व राति श्रीनगर सहर से वर्षर सर्वनिम्न तापमात्रा -5.6 डिग्री रेकर्ड कर विश्वर द्वितीय शीतलतम स्थान कहा द्रास राति सर्वनिम्न तापमात्रा -20 डिग्री रेकर्ड कर गुलमर्ग तापमात्रा निरंतर भाव -7 डिग्री रही सब वर्ष भली एथर भी चिलाई कलाण पर सब प्रकार प्रस्तुति करिछंती काश्मीरवासी कंग्री गरम सृष्टिकारी सामग्री गरम पोशाक बहु परिमाण में बिक्री होउछि किंतु विद्युत जोगाण में अनियमितता स्थानीय लोकों पर पलटि बड़ समस्या एक डर रहता है इनमें कि जो यहाँ ये बिजली का हमें ये आना और जाना रहता है इसके लिए इनका ये जहन परेशान रहता है कि अगर बिजली न जाए या बिजली अगर अच्छी तरीके से यहाँ इसको इसकी कटौती न हो जाए रोज़ हम तंग आ गए कि एक घंटा पावर रहता है एक घंटा जाता है एक घंटा पावर रहता है आधा घंटा जाता है इस वक्त मतलब गर्मी की भी ज़रूरत है पानी की भी ज़रूरत है हर एक चीज़ की ज़रूरत है कोई इसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है स्थानीय बासिंदा अनुसार शीत दिने बरफपात वर्ष सारा पानी जल जोगाण और जलसेचन में साहय कै गत वर्ष चिलाई कलाण समय पाग मुख्यतः सुखिला रही था तुषारपात खूब कम परिमाण में होता किंतु एथर भल बरफ पड़े बोली आशा रखिंट काश्मीरवासी बर्फ पड़नी चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसी बर्फ पड़ी नहीं जो पड़नी चाहिए थी लास्ट ईयर मुझे याद है मैं पूरा विंटर यहीं स्पेंड किया था तो इतनी गर्मी थी चिलाई कलान में कि जो कि हमारे जून जुलाई में नहीं रही थी बहुत ही अच्छा वेदर था उस टाइम तो बस ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर बर्फ होगी तो वो आगे जाके के लिए हमें समर्स के लिए अच्छा रहेगा पानी रहेगा सब कुछ दस्तियाब रहेगा तो बर्फ पड़नी चाहिए इस साल गोटेपटे चिलाई कलाण स्थानीय बासिंदा कठिन होता बेले काश्मीर सौंदर्य को उपभोग करने पर्यटक किंतु बहु संख्यारे आसुछंती ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया